हाय एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल हरिद्वार फैमिली ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। लंच बनाने की तैयारी, तो दाल चढ़ा दी है मैंने, और दाल मूंग उड़द और चने की मिक्स करके मैंने चढ़ाई है, क्योंकि जुकाम नज़ले हो रखे हैं, उड़द की दाल नुकसान करती है। हालांकि आज बनी उड़द की दाल ही है, श्राद्ध है तो इस वजह से, लेकिन मैंने मिक्स करी है। फिर तबीयत डाउन चल रही है तो दाल चावल सब्जी रोटी ये सब मैं बनाने वाली हूँ। और यहाँ पे मसाला दानी में मुझे हल्दी ख़त्म मिली, तो मैंने थोड़ी सी हल्दी उसमें डाल ली है, क्योंकि छोटी छोटी कटोरी होती है तो उसमें बहुत ही थोड़ी सी हल्दी आती है। तो बस यहाँ पर हल्दी डाल ली है, नमक डाल दिया है और थोड़ा सा घी डाल दिया है, और अब मैं इसकी लिड लगा दूँगी। 2 से 3 सीटी आएंगी और दाल हो जाएगी तैयार। चावल भिगा के रख दूंगी, और इस बीच में होगी हमारी चाय, जैसा कि होती ही है। तो चाय बनकर तैयार है, चाय मैं छान रही हूँ, इनको दे दूंगी फीकी, और थोड़ी सी चाय जो है उसमें मेरी चीनी डलेगी, तो मैं 1 चम्मच चीनी लूँगी उसमें, और फिर हमारी चाय होगी। जब तक दाल बन जाएगी, चावल भीग जाएंगे, तो फिर मैं जल्दी जल्दी जो है दाल चावल खाना मेरा सब रेडी हो जाएगा, सब्जी वगैरह कट कर लूँगी। तो दाल तो मैं बिना प्याज के बनाने वाली हूँ, जो कि जो है श्राद्ध में होगी, मतलब भोग वगैरह लगेगा, तो इसमें तो मैं प्याज का यूज़ नहीं करूँगी। लेकिन जो सब्ज़ी बनाने वाली हूँ शिमला मिर्च आलू की, उसमें मैं प्याज का यूज़ करूँगी, क्योंकि इसका भोग नहीं लगेगा। तो यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज ले लिया है, जिसको यहाँ पे चॉप कर रही हूँ। शिमला मिर्च मैंने पहले से ही कट करके रख ली है, 2 आलू छील लिए हैं, इनको धो के रख लिया है। तो ये सब तैयारी मेरी हो चुकी है, और प्याज मैंने चॉपर में नहीं किया, ऐसे ही कर लिया है। यहाँ पे कढ़ाई चढ़ाई है, उसमें सरसों का तेल अच्छे से गरम कर लिया है, फिर इसमें डाल दिया है हींग जीरा। नॉर्मल सा तड़का है, जैसे सिंपल सब सब्जियों में लगता है, उसी तरीके से मैं शिमला मिर्च की सब्ज़ी, आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। शिमला मिर्च तो बहुत तरीके से बनाई जाती है, लेकिन आज बिल्कुल सिंपल आलू के साथ बना रही हूँ। प्याज डाल दिया है, और इसको मैं यहाँ पर गोल्डन होने तक थोड़ा सा भून लूँगी, बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करूँगी, नहीं तो फिर सब्ज़ी का कलर जो है वो भी थोड़ा सा डार्क ही हो जाएगा। 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच से भी कम हल्दी, और 1 चम्मच मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर डाला है, और साथ में ही मैंने टमाटर और हरी मिर्च ऐड कर दिए हैं इसमें। अब मैं डाल दूँगी नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और शिमला मिर्च ना बहुत जो है पानी रिलीज़ करती है, तो बहुत थोड़ी सी सब्ज़ी बनती है, तो नमक ना उसी हिसाब से इसमें डालें, नहीं तो कई बार नमक तेज़ हो जाता है इस तरह की सब्ज़ियों में। तो इसको मैं ढक के छोड़ दूँगी पकने के लिए, और बीच में मेरे दूसरे काम हो रहे हैं, जैसे कि आटा बनाना, चावल बनाने, तो इस तरह से सारा काम बीच बीच में होता रहता है, तो जल्दी फिर खाना बन जाता है, क्योंकि इनको जाना है लंच लेके ऑफिस, तो उससे पहले पहले मुझे सारा काम करना है। आलू मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट करे हैं शिमला मिर्च के सेप के ही, तो एक ही जैसे दोनों सब्जियाँ मैंने कट कर ली हैं। अच्छे से इसको मिक्स कर दूँगी, और मीडियम आंच पे छोड़ दूंगी इसको पकने के लिए, पानी वगैरह इसमें बिल्कुल भी नहीं जाएगा, ऐसे ही ये बनेगी। और यहाँ पे देखिए दाल हमारी बॉयल हो चुकी है, और दाल में गरम मसाला, लाल मिर्ची पाउडर कुछ भी मैंने अभी तक ऐड नहीं करा था, सिर्फ नमक हल्दी डाल के बॉयल किया है। अब मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर, जो दरदरी तीखी वाली लाल मिर्च होती है वो, और गरम मसाला डाल दूँगी। उधर चावल में भी बॉयल आ गया है, और एक बार सब्जी को चला दूँगी, क्योंकि सूखी सब्जी है तो बीच बीच में ना इसको चलाना पड़ता है, नहीं तो नीचे से कहीं लग ना जाए, मतलब जल ना जाए। तो यहाँ पे कर रही हूँ मैं दाल के तड़के की तैयारी, जैसे कि मैंने बोला कि आज प्याज का तड़का नहीं लगाऊंगी, हींग जीरे का खाली तड़का लगाने वाली हूँ दाल में। तो घी डाल लिया है 1 चम्मच 1.5 चम्मच के करीब, और जीरा डाल दिया है, हींग डाल दिया है। अब जैसे ही हमारा जीरा हो जाएगा, फिर मैं इसमें थोड़ी सी डाल दूँगी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, गैस बंद करने के बाद। आँच पे नहीं डालनी है, नहीं तो फिर क्या होता है, मिर्ची जल जाती है और कलर बिल्कुल डार्क आता है। और बस मसाला, लाल मिर्च सब है, इसी के ऊपर मैं इसमें तड़का डाल दूंगी, और फिर अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, तो दाल हमारी बहुत ही अच्छी सी बन के हो गई है तैयार, और खड़ी खड़ी सी ये इस तरह की हल्की सी दाना रहे दाल में, तो मेरे घर में बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे बच्चों को इस तरह की दाल बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पर देखिए चावल भी हमारे बन गए हैं,
और उसके बाद फिर मैंने फुलके सेक लिए हैं। आटा वगैरह सब तैयार करके पहले ही रख दिया था। तो ये है हमारी लंच थाली। जो श्राद्ध है वो हमारा हो चुका है। और कमेंट आया था एक दिन, मैंने श्राद्ध के बारे में बताया था, सासू माँ का श्राद्ध था, कि आप पंडित जी को बुलाकर नहीं कराते। तो जी नहीं, हम पंडित जी को नहीं बुलाते हैं, जैसे पापा पहले से करते आए हैं, जैसे मेरे ससुराल में होता है वैसे ही करते हैं। और इस कोविड के दौर में पंडित जी आते ही कहाँ हैं, किस किस का खाना पंडित जी खाएँ। तो पंडित जी खुद ही बोलते हैं कि आप मतलब गरीब को खिला दो या फिर गाय को खिला दो, उनके पेट में जाएगा। तो ऐसे हमारे यहाँ श्राद्ध निकाला जाता है। हाँ जी, खाना बन गया है, खा पी लिया है सबने, और किचन अभी फैली पड़ी है। तो अब मैं शुरू होंगी किचन क्लीन करने में। बहुत सारे बर्तन हैं, क्योंकि दाल चावल सब्जी के बहुत सारे बर्तन हैं, और फिर दूध वगैरह का भी भगोना, तो मतलब सुबह भगोना मेरा बहुत ज़्यादा हो ही जाता है, वो तो आपको पता ही है, इसी टाइम का मेरा ज़्यादा रहता है। दिन में फिर इतना मतलब किचन में प्रेशर नहीं होता, लेकिन इस टाइम का बहुत ज़्यादा है। तो अब मैं शुरू होंगी अपनी क्लीनिंग में, और बाहर तक मुझे करना है, क्योंकि श्रेय का एग्ज़ाम है, वो गया है स्कूल, और अंश करेगा अपनी तैयारी, कल इसका एग्ज़ाम है। बची मैं, तो मुझे तो आज भाग भाग के काम सारा निपटाना है। और एक काम हो रहा है आज, क्योंकि आज शॉप तो जाऊंगी नहीं, आज है थर्सडे, एक काम है जो कि स्टॉक आया था, कुछ शॉप पे चला गया है, कुछ यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो ऐसे ही सब फैला पड़ा है, उसको मुझे लगाना है, अच्छे से देखना है क्या नहीं है, क्योंकि वहां से तो लेके आ जाते हैं इतनी जल्दी, फिर ना घर आके कुछ भी याद नहीं रहता कि क्या लेके आए थे क्या नहीं आए थे। तो जो छोटा मोटा आइटम है वो तो वहां पे जा चुका है, जो खास वहां के लिए आया था, और जो ऑनलाइन के लिए मेरा हैवी कलेक्शन है सूटों का, करवा चौथ के जो है सूट आए हैं, दिवाली स्पेशल करवा चौथ स्पेशल, हालांकि अब दिखाई रही हूँ अच्छे अच्छे, लेकिन अब फिर से लेकर आई हूँ हैवी थोड़े से सूट, पार्टी वियर और साड़ियां हैं, तो वो सब यहीं पे फैला पड़ा है। तो आज उसको भी मुझे सिंगवाना है, और थोड़ा थोड़ा करके जो है आपके साथ शेयर करना है, तो वो मुझे काम है। और कपड़े इतने हैं कि एक भी कपड़ा प्रेस का मेरे पास नहीं है, जितने मेरे कपड़े होंगे लगभग सारे ही बिना प्रेस के हैं, धुल धुल के इकट्ठे होके जो है बहुत ही ज्यादा हो रहे हैं, तो उन पे करनी है आज प्रेस, थोड़ी बहुत ही करूंगी, बहुत ज्यादा तो नहीं, एक दिन में मैं कर पाऊंगी। पहले सबसे पहले होगा काम कंप्लीट, फिर मैं चलूंगी अपनी शॉप में, मतलब घर वाली शॉप में, गोडाउन में जहाँ स्टॉक पड़ा हुआ है वो मुझे करना है। और आवाज आपको लग ही रहा होगा, जुकाम बराबर चल रहा है, नजला बराबर चल रहा है, और बोलोगे कि चावल बनाते हो, तो चावल तो बनते हैं, लेकिन मैंने चावल नहीं खाए, एक रोटी खाई है कुल। भूख नहीं लग रही, नजले जुकाम में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन श्राद्ध चल रहे हैं तो किसी ना किसी का श्राद्ध चलता ही रहता है, तो इसलिए जो है खाना वाना भी आजकल ऐसा ही बन रहा है। तो बस मशीन मैंने लगा दी है बाहर, आवाज आ रही होगी शायद आपको, एक बैच में मैंने अपने कपड़े डाल दिए हैं, क्योंकि मेरे तो मैं अलग ही धुल लेती हूँ, अपने इतने गंदे नहीं होते हैं, हल्के हल्के होते हैं, तो जल्दी निकाल लेती हूँ, और फिर मैं जो है एक बार और डालूंगी। व्हाइट कपड़े डालने हैं, कितने सारे व्हाइट कपड़े हो रखे हैं, तो वो मुझे जो है काम बीच बीच में करते रहना है। तो चलिए अब मैं फटाफट से लग जाती हूँ किचन में, कुछ शेयर नहीं करूंगी क्लीनिंग का, रोज वही बर्तन साफ करने हैं, किचन साफ करनी है, तो क्यों वीडियो को लंबा करना। तो चलिए फटाफट लगती हूँ किचन में, और फिर मिलती हूँ आपसे। यो देखो भाई क्या हो रहा है, यो वहां भी है, वो भी नहीं छोड़ रखा काउंटर भी। देखिए वैसे तो श्रेय ने बता ही दिया है कि क्या हालात हैं, स्टॉक आया था जिस दिन से, वो मेरा टाइम नहीं लग रहा, जितना जो जा सकता है शॉप पे वो चला जाता है, और एक कस्टमर घर पे आई थी तो हालात थोड़े से ख़राब है यहाँ के। मैंने बोला था ना कि आज मुझे यहाँ पे भी देखना है, तो ये घर का मेरे गोडाउन है जो कि इस हाल में है। हाँ जी, तो बैठ चुकी हूँ नहा धोकर, और टाइम हो रहा है 3:30 का, अब जाके मैं नहाई हूँ, क्योंकि काम तो सुबह आपको मैंने बता ही दिया था क्या 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 है, बहुत ज़्यादा काम था, और फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी मैंने कुछ किया है। आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, जब कही है मेरी पिलो कवर पे वीडियो, और ज़्यादा उसमें कुछ नहीं था, सिर्फ पिलो कवर थे और बॉलस्टर कवर, और क्या था 24x24 कुशन कवर, तो ये सब वीडियो आज अपलोड किया था, तो उसकी पिक अभी तक नहीं ली गई थी। तो सुबह फिर किचन का काम करने के बाद मैंने उसकी पिक वगैरह ली है, जो भी मैंने दिखाया था,
वो दिमाग से ही निकल गया, कल वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था लेकिन पिक नहीं ली गई थी, तो उस पर लगानी भी थी और फिर किसी को सेंड भी करनी पड़ती है, तो वो सारी पिक मैंने ली हैं, मतलब अंश ने पिक ली हैं, मैंने सारा कुछ जो है समेटा है, फैलाया है पिलोज, और एक एक पिलो के अंदर डाल के पिक लेनी पड़ी है, तो बहुत ज़्यादा टाइम उस काम में मेरा चला गया, और वो ना आज था ही नहीं लिस्ट में, तो प्रेस का अभी तक कोई नंबर नहीं आया। थोड़ा जो है वो तो आपको दिखाया था मैंने बाहर शॉप का क्या हाल था, तो उसमें मैंने सामान लगाया और बस वो पिलो वगैरह लेके घर का सारा काम खत्म करके अब मैं नहा धो के बैठी हूँ, और जुकाम थोड़ा सा तेजी पे है, नाक एक खुली हुई है और ये वाली दरवाली बंद है, तो इस तरह से जुकाम का चल रहा है। और जुकाम का देखिए मेरा बच्चा मेरा अंश बाबू, इसको बहुत तेज जुकाम हो रखा है आज बहुत ज़्यादा, कल इसका एग्ज़ाम है लेकिन जुकाम हो रहा है, मैंने सोचा दवाइयाँ दवाइयाँ सारे घर में ना हमारे दवाइयाँ आपको नज़र आएंगी, पीछे देखिए स्टीम के लिए रखी हुई है, तो मतलब ये चल रहा है, हालत पूरी ख़राब है, स्टीम ये लेते हैं दोनों टाइम। फिलहाल ऑफिस गए हैं लेकिन आराम नहीं हो रहा है जुकाम में, क्योंकि पूरी तरह रेस्ट तो मिलता नहीं है, और बोलती हूँ कि एक आध दिन का जो है ऑफ कर लो तो घर पे रह लो आराम मिल जाएगा, लेकिन नहीं करते क्योंकि आगे फेस्टिवल आ रहे हैं, तो फिर वही होता है कभी ना कभी छुट्टी लेनी पड़ती है, या फिर कभी मैं ही बोलने लगती हूँ कि मेरा स्टॉक लेने जाना है या कुछ ऐसा, तो काम मतलब कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, तो इसलिए फिर ये जो है छुट्टी नहीं करते, तो बस डेली ऑफिस चला, एक दिन रहे थे घर पे, बाकी डेली जा रहे हैं, लेकिन तबीयत ऐसी ही है और सबकी ऐसी है। श्रेय को थोड़ा सा रिलैक्स है आज जुकाम में, लेकिन उसे क्या हुआ, उसकी एलर्जी की दवाई चल रही है हेमोपैथिक की, तो वो लेके आया था एक दिन अभी अपना पेट वगैरह की दवाई जो ली है ना उसने, पेट का अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया, चेक कराया, टेस्ट वगैरह कराए, तो उससे पहले लेके आया था, अब पता नहीं क्या हुआ, करीब 3 महीने से ज़्यादा हो गए जो वो दवाई खा रहा है अपनी एलर्जी की, वो होम्योपैथिक वाली, लेकिन अब पता नहीं क्या हुआ अब की बार लेके आया, और साथ साथ ये पेट की दवाई चल रही है इसकी, जैसे कि ये बोतल पीछे रखी हुई है लीवर की और खाने की भी है, तो पता नहीं क्या उसको मतलब रिएक्शन किया है इन्होंने, क्या किया है, तो वो उसके हाथों पे यहाँ यहाँ ऐसे होती है एलर्जी, रेड रेड हो जाता है सारा यहाँ पे इस तरह से, तो फिर से उसका ऐसा ही हो गया। अब ये दवाई तो उसने बंद कर दी है, 2 दिन खाई, 2 दिन में उसको महसूस हो गया, तो ये तो हमने फिलहाल बंद करवा दी उसकी, और एलर्जी क्यों है उसको, उसको बचपन से ही है, जब मैं प्रेग्नेंट थी ना तो बंदर ने मुझे काट लिया था, काटा भी नहीं था, बस हल्का सा लग गया था दांत हाथ पे, तो हमारा वहां जो ससुराल में घर था ना वो इसी तरह से जैसे हमारा खुला है वैसे ही वहां पे था, तो वहां पे बर्तन किचन में नहीं होते थे, बाहर होते थे, जैसे गांव में चौकी वगैरह पे नहीं होते, तो इस तरह की मम्मी की पहली जो है एक चौकी टाइप थी छोटी, तो उस पे बैठ के बर्तन होते थे अलग से, पहला पुराना ही घर ले रखा था पापा ने लिया था वो बना बनाया, तो उसमें तो वहां पे पता नहीं ऊपर से कहां से मंकी आया, और जैसे ही मैं उसको जो है ऐसे करने चली तो उसने मेरे हाथ पे दांत मार दिया था, तो उसके इंजेक्शन लगे थे, और बंदर के काटने के और जो है कुत्ते के काटने के एक इंजेक्शन लगते हैं जो कि बहुत गर्म होते हैं, बोलते हैं कि गर्म होते हैं, तो उस टाइम पे वो इंजेक्शन लगे, तो जब से बस फिर तो इसको ना पहले से ही यही है प्रॉब्लम, तो ऐसे इसको एलर्जी लगी थी, तो ये दवाई बंद कर रखी है, अब डॉक्टर के पास जाना है, पता नहीं आज जाएगा या कल जाएगा, क्योंकि आज शॉप बंद है तो शॉप पे हम नहीं जा रहे हैं, और मुझे आ रही है नींद, क्योंकि आज मैंने बोला था आपको कि आज मैं दिन में सोऊंगी, तो सोना तो मिला नहीं है, अब तो चाय का टाइम हो गया, अब तो मैं किचन में चलूंगी चाय बनाऊंगी पापा के लिए, टाइम हो रहा है उनका, हमने तो लेट ही खाना खाया था, चलिए जी तो मैं चाय बनाने के लिए जाऊंगी, और अभी बात करूंगी फोन पे, विकास से बात करनी है, मम्मी से बात करनी है, मम्मी का तो कॉल आया भी था लेकिन उस टाइम में ना आ रही थी, मम्मी से भी बात नहीं हुई, और विकास से बात करनी है, उनका हालचाल पूछना है, क्या थोड़ा बहुत आराम है नहीं है, तो मतलब चारों तरफ यही चल रही है हालत ख़राब, सबसे ज़्यादा उनकी हालत ख़राब हो रही है, क्योंकि नॉर्मल जुकाम वगैरह बुखार होता है वो तो चलो
हो ही जाता है, लेकिन इस तरह से कहीं बाहर अंदर मतलब कुछ कर नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते, कोई आ नहीं सकता, कोई जा नहीं सकता, तो मतलब ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कोविड में। और ये कोविड ना जाता जाता पता नहीं क्या मतलब अब भी हालत ख़राब ही कर रखी है, तो उनको जाते जाते पकड़ लिया, तो उनकी हालत जो है ऐसी चल रही है। उनका मैं जो है फ़ोन पर बात करूँगी, उनका हाल चाल पूछूँगी क्या हो रहा है, तो ये करूँगी अब। तो बस यही हाल चल रहा है, वहाँ पे मम्मी ठीक नहीं है, वहाँ पे विकास की फैमिली ठीक नहीं है पूरा, और फिर दीपिका का टाइम ऐसा चल रहा है, तो उसमें और ज़्यादा प्रॉब्लम है कि कहीं मतलब अचानक से जा नहीं सकते, कोई साथ में जा नहीं सकता, आ नहीं सकता, तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत है। पर भगवान के आगे जो है कुछ नहीं चलती, कुछ नहीं कर सकते, जो होना है वो होके रहेगा। तो चलिए मैं बनाती हूँ पापा के लिए चाय, और बस फिर जो है देखती हूँ शाम तक वीडियो लेके जाती हूँ, नहीं जाती हूँ क्योंकि वीडियो भी मैंने देखी भी नहीं है क्या है कितनी है। चाय वाय हो गई है और आ गई हूँ कपड़े उतारने के लिए। कपड़े आज देर से सूखे हैं, सुबह ना जब मैंने आपसे बोला था मशीन लगा दिया तभी बारिश आ गई थी, थोड़ी देर बाद ही, बहुत ज़्यादा बारिश नहीं आई लेकिन थोड़ी थोड़ी बारिश काफ़ी टाइम तक होती रही, और फिर धूप निकली जब जाके कपड़े सुखाए, तो कपड़े ये सूख चुके हैं और बाकी के धुल रहे हैं, इनको मैं उतार लेती हूँ। और बस इस वीडियो का एंड यहीं पे करूँगी, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है। मिलूँगी बहुत जल्द प्यारे से व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।